हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMP। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सीरीज जो कि 17 सितंबर 2022 का है। बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड BPDF फ्रॉम XMP.com सो दैट यू नो यू कैन रिवाइज इट एंड योर करंट अफेयर प्रिपरेशन बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव। शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले न्यूज से, वो है MCI रिवाइज्ड थ्रेशोल्ड फॉर पीडअप कैपिटल ऑफ दी स्मॉल कंपनीज। राइट, तो देखो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हैं और सीधा सीधा लैंग्वेज में आपको बताते क्या है। सीधा सीधा ये है कि स्मॉल कंपनीज का डेफिनेशन को चेंज किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किया गया है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मतलब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 में ही इसका डेफिनेशन है, इस थ्रेशोल्ड को कम किया गया, नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख, मतलब पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़। ठीक, देखो यहां पे दो चीज डिस्कस हुई हो, एक होगा पेड अप कैपिटल, दूसरा होगा टर्नओवर। ठीक है, एंड टर्नओवर फ्रॉम 2 करोड़ टू एक्सिस्टिंग 20 करोड़। अब क्या चेंज हुआ है, ये वाला लाइन आपके करंट अफेयर पर्पज से बहुत काम का है। वो क्या है, पेड अप कैपिटल फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ टू 4 करोड़, इसको डबल किया गया है। ठीक है, एंड टर्नओवर को भी डबल किया गया है, 20 करोड़ से क्या किया गया है, 40 करोड़ किया गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट करने का है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 और LLP एक्ट 2008, ये दोनों में ही चेंज हुआ है। समझ में आया, अब आगे करते हैं। इसमें क्या है, डिक्रिमिनलाइजेशन जो एक ये था, जो भी कंपनी का ओनर है उनके लिए, उनको इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, पेनल्टीज कम किया गया है। अब यहाँ पे इसका अगर हम कुछ बेनिफिट्स को देखें, एक तो स्मॉल कंपनीज पे पेनल्टी कम लगेगा। अब ये सवाल, स्मॉल कंपनीज किसको बोलते हैं, तो स्मॉल कंपनीज ये वाले डेफिनेशन से जो बाहर आते हैं उनको बोलते हैं, मतलब जिनका टर्नओवर 40 करोड़ से कम है और जिनका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ है, ये लोग स्मॉल कंपनीज बोले जाएंगे। अभी इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, साल में सिर्फ 2 बार ऑडिट करने से ही, मतलब 2 बार AGM मीटिंग करने से हो जाएगा। उसके बाद जो एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी है वो कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं भी है तो डायरेक्टर साइन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट्स मिलेगा स्मॉल कंपनी को। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, SCO समिट। तो ये न्यूज तो आपको पता ही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी कहाँ पे है, समरकंद में है। राइट, समरकंद में वो SCO समिट को अटेंड करने गए हैं। नाउ ये जो फर्स्ट सेशन है, इसमें कौन कौन था मेंबर था, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। SCO का ये कहाँ पे है हेडक्वार्टर, वो है चाइना के बीजिंग शहर में। एंड सॉ डिस्कशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन रीजन। देखो SCO भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए है कि अप्रोक्सीमेटली जो दुनिया का 40% पॉपुलेशन है वो SCO कंट्रीज से आता है। तो सबसे दो जो मेजर कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री, वो है इंडिया, चाइना, इसके अंदर में है। मतलब आप ऐसा मान के चलो इंडिया, चाइना एक ही काउंसिल के अंदर में किसी भी जगह पे हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स नेशन में भी, जहां पे इंडिया चाइना दोनों है, वहां के भी आप पॉपुलेशन को देखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा। राइट, तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेजर डिसीजन SCO समिट में आता है वो 40% ऑफ द पीपल ऑन द प्लैनेट उनके लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है। द अदर सेशन सॉ एक्सटेंडेड पार्टिसिपेशन ऑफ द 6 SCO डायलॉग पार्टनर। ठीक है, अगर हम बायोलेट्रल मीटिंग की बात करें तो इंडिया रशिया और इंडिया उज्बेकिस्तान से बायोलेट्रल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर का हुआ, मतलब इंडिया का हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। तो अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट MCQ इसमें यह बन सकता है कि जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशनल होता है SCO में। अभी 23rd, ये 22nd था, 23rd सेट टू बी हेल्ड इन इंडिया 2023, मतलब इंडिया प्रेसिडेंसी लेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन रूपीज। न्यूज क्या है, The Commerce Ministry on Friday allowed invoicing, payment and settlement of export import in Indian rupees, a move aimed at facilitating trade in the domestic currency. ठीक है, तो ये क्या है, तो अगर हम इसके फ्रेमवर्क की बात करें
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जुलाई में उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया था जहां पे उन्होंने बोला कि मतलब अलाउ किया है अरेंजमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीस इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अकॉर्डिंगली इट सेट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन इन INR में ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये कैसे होगा? स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू होगा। अब स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट कैसे काम करता है ये तो हमने कल के करंट अफेयर में देख लिया है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो, RBI ने बोलने के बाद, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन डिपार्टमेंट है, ट्रेड डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके इस चीज को अलाउ कर दिया है। तो अभी जो है इंडियन ट्रेडर्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू में रुपीस में ट्रेड कर पाएंगे। इससे आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है RBI नेट सोल्ड 19.5 बिलियन इन फॉरेक्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, राइट, कुछ ग्लोबल कंडीशंस के वजह से। तो जब रुपी डिप्रिशिएट होता है डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब डॉलर की वैल्यू को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्केट में डॉलर के क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिमांड ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई एंड थ्योरी यही बोलता है, अगर किसी भी चीज का अगर हम क्वांटिटी में इंक्रीज कर दे तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो वही चीज RBI इंटरवेंशन बोला जाता है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब रुपीस को डॉलर के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट होने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने पास जो फॉरेक्स था उनके पास, वो फॉरेक्स से उन्होंने इतना बाहर किया। ठीक है, मार्च के महीने में 20,101 मिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद 1965 अप्रैल में, 2001 जुलाई में वो 19,049 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो इतना उन्होंने किया। अब देखो, इतना डॉलर फॉरेन एक्सचेंज से निकाल देना तो मतलब सीधा सिंपल बात है कि फॉरेन फॉरेक्स में गिरावट आएगा, एंड वो गिरावट हमको दिखा। ठीक है, एज ऑफ September 9 जो रिजर्व है वो 550.8 बिलियन है। अगर हम टोटल की बात करें मतलब कितना है, वो है 553.1 बिलियन एज ऑन September 2, 2022, विच वेर इक्विवेलेंट टू 9 months ऑफ इम्पोर्ट प्रोजेक्टेड फॉर 2022-23। ठीक है, तो मतलब RBI का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ज्यादा था वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है प्रोजेक्ट चीता। तो आपने शायद इसको न्यूज में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा मतलब मोस्ट टॉक न्यूज है बिकॉज देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक एक्सटिंक्ट एनिमल को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यह है 8 अफ्रीकन चीता। ठीक है, इसमें से 5 फीमेल है, 3 मेल है। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। एंड मैं इस लेक्चर को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का लेटेस्ट न्यूज है, समवेयर अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग। तब का न्यूज ऐसा है कि द फ्लाइट हैज ऑलरेडी लैंडेड जो नाम्बिया से इन 8 चीता को कैरी कर रहा है। टू मार्क दिस अराइवल जो प्राइम मिनिस्टर है, आज 17 सितंबर को उनका बर्थडे भी है, तो वो इस इन चीता को कूनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट January 2020 में अप्रूव कर दिया था एज ए पायलट प्रोग्राम टू री इंट्रोड्यूस दिस स्पेशीज टू इंडिया। इसके लिए MOU साइन किया गया किसके साथ? रिपब्लिक ऑफ नाम्बिया के साथ। ये नाम्बिया से आ रहा है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 96 करोड़ रुपीज टोटल। इसको एक Boeing 747 जेट से लाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें 96 करोड़ के ऊपर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एडिशनल 50 करोड़ रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप जान लो। यहाँ पे एक एक MCQ बन सकता है कि चिंटू चीता क्या है, राइट? व्हाट इज चिंटू चीता? तो चिंटू जो चीता है ये मैस्कॉट का नाम दिया गया है। इन्हें मैस्कॉट होंगे चीता मित्रास, मतलब जो लोकल लोग होंगे वहां के, जो कुनो नेशनल पार्क के आसपास लोग होंगे उनको ये चिंटू चीता नाम दिया गया है। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं RBI से रिलेटेड एक न्यूज। ये स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्द ही रिलीज हो जाएगा बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा है, इसको करंट अफेयर में इंक्लूड करना
तो करंट अफेयर बहुत लंबा बन जाता। सो इन दैट केस उसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्यू वन लाइनर्स। सो सबसे पहला है शंघाई ऑपरेशन कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये 22 का जो मीटिंग है इसको प्राइम मिनिस्टर ने समरकंद उज्बेकिस्तान में अटेंड किया हुआ है, राइट। देन एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द एमसीक्यू परस्पेक्टिव। ये जो सिटी है वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो इससे होगा क्या, एससीओ देश से कई सारे लोग आएंगे वाराणसी में घूमने के लिए, ठीक है। दिस इवेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इंडोलॉजिस्ट स्कॉलर्स ऑथर्स म्यूजिशियन आर्टिस्ट फोटो जर्नलिस्ट ट्रैवल ब्लॉगर्स एंड अदर इन्वाइटेड गेस्ट। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा एंड वहाँ के लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इसका डिटेल्स जो है ना ये लॉन्च होने के बाद ही हम देखेंगे, ये आज के दिन में लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये रिलेटेड किससे है, पॉलिसी टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ आईटीबी जीआरएफए। अब ये क्या है, ये है इंडिया विल होस्ट 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है एंड ये आपको जान लेना है कि इंडिया विल होस्ट द 9th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी 19 से 24 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज, कृतज्ञ 3.0। अब ये कृतज्ञ 3.0 है क्या, ये जो ICAR है विद इट्स नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिवीजन इज ऑर्गेनाइजिंग हैकेथॉन। ये एक हैकेथॉन है कृतज्ञ 3.0 ऑन प्रोमोटिंग सीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो हैकेथॉन से हमको क्या समझ में आता हैकेथॉन में क्या होता है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि आप आओ अपना इनोवेशन बताओ, है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब फिनटेक में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बट ऐसा नहीं इसका यूज कहीं और नहीं हो सकता, ये यूज एग्रीकल्चर में भी हो सकता है जहाँ पे, है ना, क्रॉप से रिलेटेड ये सारे हैकेथॉन में आएंगे लोग, पार्टिसिपेट करेंगे एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ड्यूरिंग 2021 इन एसोसिएशन विद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एनिमल साइंस डिवीजन ऑफ ICAR ऑर्गेनाइज्ड हैकेथॉन 1.0 एंड 1.2 टू प्रोमोट इनोवेशन इज फार्म मैकेनाइजेशन इन एनिमल साइंस। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब फार्म में जो इंजीनियरिंग गुड्स यूज होता है उससे रिलेटेड। तो इस हैकेथॉन से भी अच्छा रिजल्ट बाहर आया है। अभी का जो हैकेथॉन है ये है सीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सीड ब्रीडिंग एट नेशनल लेवल 4 टीम्स वेर अवॉर्डेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री तोमर विथ ए कैश प्राइज ऑफ 9 लाख ईच। हैकेथॉन 1.2 एंड 2.0। अब आगे बढ़ते हैं एक एमओयू को देखते हैं। ये एमओयू है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और IIM जम्मू के बीच में टू सिनर्जाइज एकेडमिक रिसर्च एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, इंडिया ऑब्जर्व 28th वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन जो है जो जो डे है वो 16 सितंबर को हर साल में सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमोमरेट द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट केम इन फोर्स ऑन 1987 में ये आया। तो इस साल का थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर, बायलेटरल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये दोनों के बीच में एक बायलेटरल मीटिंग हुआ, लेकिन इस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट बात ये है, ऐसा आया कि द लीडर एम्फसाइज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। उसके बाद ओपनिंग ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड पार्टनरशिप बिटवीन उज्बेक एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज वॉज वेलकम, लेकिन एक्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो बाद में बाहर आएगा, तब हम इसको और डिटेल से समझ लेंगे। देन इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड क्या है, ये जो अवार्ड है टू अवार्ड 60 स्टार्टअप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू 53,021 स्टूडेंट्स। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये छोटे बच्चे हैं जिन जिन जो साइंटिफिक माइंडसेट है इनका, राइट। तो इनको ये अवार्ड दिया जाता है अलॉन्ग विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 10,000 रुपीज, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है।
सो दैट दे कैन डेवलप प्रोटोटाइप ऑफ द आइडिया विच दे हैव सबमिटेड फॉर दिस स्कीम. तो उन्होंने कुछ आइडिया सबमिट किया है, उसके प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट इनको 10,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है. राइट. नेक्स्ट, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन. द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्लियर 23 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड ₹60 करोड़ इन द एरिया ऑफ स्पेशलिटी फाइबर, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, मोबाइल टेक एंड स्पोर्ट टेक्सटाइल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर, दैट इज मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि 23 प्रोजेक्ट है वर्थ ₹60 करोड़. आगे बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर पे, वो है मार्केट कैप. तो मार्केट कैप में जो अदानी ग्रुप है, वो अदानी ग्रुप हैज क्रॉस्ड टाटा ग्रुप. तो अदानी ग्रुप का जो 9 फर्म्स है वो लिस्टेड है एंड टाटा ग्रुप का 27 फर्म्स लिस्टेड है. सो विद दिस 9 फर्म, मिस्टर गौतम अदानी एंड फैमिली स्टैंड्स एट 22.27 ट्रिलियन. मतलब अगर इसको डॉलर टर्म्स में देखें तो 278 बिलियन इनके ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वेरस टाटा ग्रुप का 260 बिलियन है. ठीक है, एंड जो मुकेश अंबानी लेड रिलायंस ग्रुप है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $220 बिलियन. राइट, तो ये टॉप थ्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है. देन अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडिया परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन. तो देखो ये एक बुक का नाम है, इस बुक को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद उन्होंने लॉन्च किया है कल के दिन में. विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB. ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन सम अदर लेक्चर. टिल देन प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB.